हेलो गाइस, वेलकम बैक मार्वल डॉन यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की एक न्यू एनिमेटेड सीरीज के बारे में जिसका नाम है माया एंड द थ्री। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो गाइस, नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को नवम्बर 2018 में कन्फर्म कर दिया था कि इस एनिमेटेड मिनी सीरीज पर काम कर रहे हैं जो मेसो अमेरिका वॉरियर्स के ऊपर होगा, जिसका टीजर ट्रेलर आ चुका है। इस सीरीज को इसी ईयर 2021 में रिलीज किया जाएगा। अभी इसका रिलीज डेट कन्फर्म नहीं है और इसके सीजन वन में हमें 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, ये हो गया इस सीरीज के डिटेल्स के बारे में। अब चलिए ट्रेलर ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं। इसके टीजर ट्रेलर से पता चलता है कि ये सीरीज एंशिएंट टाइमलाइन में सेट है और ये कंफर्म भी हो चुका है, तो इस सीरीज में हमें मैजिक भी देखने को मिलेगा। एंड टीजर के स्टार में देखने को मिलता है माया जो एक पेड़ से बने बारह सिंगा के ऊपर बैठी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है वो अपने पेरेंट के साथ खेल रही है। फिर आगे के सीन में माया का यंग वर्जन देखने को मिलता है जो इस सीरीज को लीड करेगी। स्कैनिंग में हमें देखने को मिलता है माया किसी तरह के गॉड प्लेस पे है। फिर उसके नेक्स्ट शॉट में देखने को मिलता है माया जो प्रिंसेस की तरह रेडी हो रही है। माया जो प्रिंसेस है तो इसी वजह से इसके पेरेंट्स इसे बाहर नहीं जाने देते, पर माया ईगल वॉरियर बनना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है जिसमें माया अपने आप को काबिल भी दिखाती है, जिससे एक फाइटर को एक पंच में ढेर कर देती है। फिर आगे के सीन में विलन्स का एंट्री देखने को मिलता है। फिर एक ओल्ड वुमन माया से कहती है कि खतरा आ रहा है एंड माया को एक भविष्यवाणी पूरा करना पड़ेगा ईगल वॉरियर बनके, जो बनती भी है और विलन से फाइट भी करती है। और इसका एक एनिमल फ्रेंड है जो ब्लैक पैंथर है, जिसके साथ ये फाइट के लिए निकलेगी। टीजर में ही कंफर्म हो गया है कि माया बहुत ही पावरफुल है और जो ईगल वॉरियर बनके टीगो की रक्षा करेगी। एंड सीरीज के प्लॉट की बात करें तो माया जो वॉरियर प्रिंसेस है जो मेसो अमेरिका से प्रेरित होकर एक प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एडवेंचर पे निकलेगी और अंडरवर्ल्ड के विलन को या बुरे गॉड्स को हराएगी। एंड गाइस, सीरीज के एनिमेशन स्टाइल की बात तो एनिमेशन स्टाइल बहुत ही अच्छा और बहुत ही गजब लग रहा है और ये 3D एनिमेशन स्टाइल है। तो सीरीज का एनिमेशन CGI है और सीरीज एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी से पूरा भरा हुआ है और ये सीरीज नेटफ्लिक्स का फर्स्ट मिनी सीरीज होने वाला है। एंड गाइस, इसका रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। रिलीज डेट जैसे ही कंफर्म होगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। माया एंड द थ्री सीरीज को लेकर आपके कोई थॉट्स हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मार्वल डॉन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं आप सभी को ऐसे इन्फॉर्म करता रहूँगा न्यू एनिमेटेड मूवीज और सीरीज के बारे में। तब तक के लिए बाय।